मैं कमी आइए कैसी हो? क्यों आ जाते हैं बार बार आप यहाँ? मैंने आपको कितनी दफा बताया कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ इस तरह की बातें डिस्कस नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं बिजी होती हूँ, बहुत काम होता है मुझे। मैं कहाँ मिलूँ तुमसे? शाम को तुम यहाँ से चली जाती हो, घर पे आता हूँ तो मुझे पैगाम मिलता है कि तुम आराम करने के लिए कमरे में चली गई हो। क्या करूँ? जरूरत ही क्या है मिलने की? वैसे भी मेरे पास कौन सा कोई बात होती है आपसे करने के लिए? सॉरी, प्रोडक्शन यूनिट से कॉल आई थी, आपकी अर्जेंट अप्रूवल चाहिए। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। थोड़ी देर में जी सर, मरियम तो आपसे मिलने के लिए बेताब थी। अगर इसका बस चलता ना तो किसी टाइम मशीन में बैठकर यहाँ आ जाती। टाइम मशीन हमें माजी और मुस्तकबिल की वादियों में सैर कराने वाली एक नेमत, एक एजाद। सर, आप भी टाइम मशीन पे यकीन रखते हैं? मतलब आपको एक्चुअली लगता है कि हम अपने पास्ट में और फ्यूचर में जा सकते हैं? क्यों नहीं, कुछ भी मुमकिन है इस जहान खराब में। भी देखो, अभी चंद साल पहले हमने सुना था कि हमारे साइंटिस्ट ने फिजा में पुरानी, सदियों पुरानी आवाजों की लहरों को दरियाफ्त किया है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो भी फिजा में तैरती रहती है लहरों की तरह। आवाज भी एनर्जी की एक किस्म है जो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो सकती। लेकिन सर, इस बात का टाइम मशीन की जात से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ताल्लुक है। अगर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हमारी ऑडियो विजुअल जो है ये भी कुदरत के किसी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही होगी। हमारी चलती फिरती तस्वीरें सब मौजूद होंगी। अगर ऐसी बात है तो काश मैं भी उस वक्त में वापस जा सकूं जहां पर मेरे अम्मी और अब्बा थे, और हमारा घर जहां हम सब सुबह उठ के एक साथ नाश्ता करते थे, और स्कूल जाना, स्कूल की बस का आना, अम्मी का नाश्ता बना के दिन, ऑल ऑफ दैट, यू नो। वैसे अगर देखा जाए तो टाइम मशीन तो कुदरत इंसान को पैदा होते साथ ही अता कर देती है हमारे ख्वाब, और हमारे ख्वाब भी हमको पल भर में सात समुंदर पार ले जाते हैं, अनजान वादियों की सैर कराते हैं, अपने और अनजानों से मिलवाते हैं। जो कुछ हम ख्वाब में देखते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का वजूद ही नहीं तो हमारे तखय्युल में, हमारे ख्वाब में कैसे आ सकती है? सर, आप जा रहे हैं? हाँ, मिल लिया मैंने मैविश से। और सुनो, कल हमारे सेंटर में पिंकू की बर्थडे है, तुम आ जाना, बच्चे खुश हो जाएंगे। और पिंकू ने खास तौर पर तुम्हें इनवाइट किया। जी सर, मैं आ जाऊंगा। मगर आप इतने उलझे हुए से क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक है। मैं विश को इनवाइट करने के लिए आया था। कंपनी के मामला तो उलझने से पहले वो हर वीकेंड पे सेंटर आया करते, बच्चे काफी अटैच हो गए थे। अच्छा, क्या वो कल आएंगी वहां? कुछ कह नहीं सकता, अपनी मर्जी की मालिक। ओके, सी यू।
क्या आज असफंदियार आया था तुम्हारी तरफ? जी। क्यों भाई, अब उसने क्या कहना है? उनके सेंटर में एक इवेंट है, वहां इनवाइट करने के लिए आए थे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की, सब ढकोसने हैं तुम्हारे बाप के। अपनी एक बच्ची को तो वो ढंग से पाल नहीं सका, जमाने भर के यतीम बच्चों को पालने का ठेका ले रखा है। साइका, ऐसी बातें मत किया कर। क्यों, क्यों ना करूं? और वैसे आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? ये सब असफन यार के अंदर का गिल्ट है जो उससे ये सारे काम करवाता है। हमारी महविश का बचपन बर्बाद करके अब वो अपना कथारसिस करना चाहता है, वो भी इन यतीम बच्चों के जरिए। नॉट पॉसिबल। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बच्चे भी मिस करते होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आई विल सी। अभी कुछ फैसला नहीं किया मैंने। सुनो दोस्तों, सब पता लगा लिया मैंने। उस फर्म की सीईओ का नाम महविश है। सुना है कोई साइको टाइप सी लड़की है, बाप के साथ बनती नहीं है और अपने मामू के साथ रहती है। बाप का नाम असवंद यार है, जो कि किसी बीच साइड पे यतीम खाना चलाता है, और ये यतीम खाना वही है जहां हमारी आर्यन से पहली बार लड़ाई हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आर्यन का वहां से आना जाना होता है। ये जो नौकरी है ना, ये भी उस लड़की ने अपने बाप के रेफरेंस से दिया है। हो भी सकता है। तू एक काम कर टोनी, उस यतीम खाने के इर्द गिर्द जरा नजर रख। हाँ, आर्यन हमें वहीं मिलेगा और वो जगह उसका शिकार करने के लिए जबरदस्त है। लेकिन जो भी करना है जल्दी करना, तेजी के साथ करना है। ये जो आर्यन है ना, हीरो बनता जा रहा है मेरी बहन की नजर में। सुन लिया ना? समझ गया भाई, हो जाएगा। कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बच्चे भी मिस करते होंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। सुनो, बाबा की सेंटर की तरफ गाड़ी मोड़ लो। जी मैडम। क्या हुआ? मैडम, लगता है गाड़ी का कोई फ्यूज उड़ गया है, मैं चेक करता हूँ जरा। क्या, जल्दी से उतर कर देखो, हमें ऑलरेडी देर हो रही है। जी मैडम। ये भी अभी होना था। क्या प्रॉब्लम है? मैडम मालूम नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। तो आपने निकलने से पहले क्यों चेक नहीं किया? आपको पता नहीं हमने जाना है? मैं कर रहा हूं। मैंने देर हो रही है मुझे पहुंचना। क्या हुआ मैम, आप लोग यहां क्यों खड़े?
Is everything okay? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आर्यन? सब ठीक तो है ना? ड्राइवर, क्या मसला है? सर मालूम नहीं, अचानक मिसिंग करते करते बंद हो गई। आप गाड़ी में बैठे, मैं चेक कर लेता हूँ। इट्स ओके। ऑयल कब चेंज किया था? मालूम नहीं, एक माह पहले। इसको लगाएं वापस। लंबा काम है, कुछ सामान भी चाहिए होगा। मैं शहर से मैकेनिक को बुला देता हूँ, वो आके रिपेयर कर देगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे सेंटर पहुँचना है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरी बाइक पर मेरे साथ चलें। वैसे भी इस वीरान इलाके में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है, ड्राइवर गाड़ी ले आएगा। नहीं नहीं, मैं बाइक पर नहीं जा सकती। घंटों तक कोई लिफ्ट नहीं मिलनी आपको, और जब तक ऑफिस से गाड़ी आएगी तो काफी देर हो जाएगी। बेहतर यह है कि आप मेरे साथ चलें, आपका इंतजार भी करेंगे वो लोग वहां पे। अबे रोक, अबे गाड़ी रोक। क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ, हम जिसे ढूंढने के लिए यतीम खाने के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, वो हमें यही मिल गया। वो देख, वो रहा आर्यन। अरे हाँ यार, फिर इसके साथ ये लड़की, ये कौन है? दिखने में तो कोई डेट मालूम होती है। चल के देखते हैं। No way man, आर्यन तो अपने शेरी की बहन के साथ। भैया एक टिकट में दो मजे कर रहे हैं कमीना। वो अपने शेरी की बहन को आश्रय में रखा है और यहाँ पे नई वेब के साथ डेट मार रहा है। लेकिन कमबख्त ऐ बड़ा लगी। और एक हम है जैसे कोई लड़की खास भी नहीं डालती। चल के देखते हैं। यार देख, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन भाई खुदा का वास्ते कोई नई लड़ाई मत कर लेना यार। तुझे मैं बोल रहा हूँ ना, चल। हेलो, कोई हेल्प शेल्प चाहिए तो बोलो। कोई हेल्प नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। अरे रिकी, देखिए अपना पुराना यार आर्यन है ना। कौन लोग हैं आर्यन? पुराना यार है हमारा, बस आजकल कुछ नाराज शराज रहता है। अरे बोलो ना आर्यन, दोस्त है ना? मुझसे वादा करो कि अपना ही गुस्सा, अपने जुनून, सब कुछ भूल जाओगे। अरे रिकी, अबे यार ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। ये अपना आर्यन ही है या किसी और से बदल शदल गया है? दुआ करो मैं वो पुराना आर्यन वापस ना बन जाऊं, ना तुम अपने पैरों पर अपने घर वापस नहीं जा सकोगे। अब दफा हो जाओ। तुम्हारे हिस्से की जोदार गोली मैंने बचा के रखी है, नहीं सर में गाड़ दूंगा तुम्हारे। बस यार टोनी, बहुत हो गया, चलते हैं। We're going. आप चले मेरे साथ, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है।
माय डियर पिंकू। हाँ अंकल, क्या आर्यन भाई आज नहीं आएंगे? उन्होंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, और मैं वैसे अभी भी नहीं आई। बेटा वो बस आने ही वाले हैं, जैसे ही आएंगे हम केक काटेंगे। डोंट वरी, ओके गुड, जाओ खेलो, जैसे ही आएंगे हम केक काटेंगे। बेटा जैसे ही आर्यन और महविश आएंगे हम केक काट लेंगे ना। सर मेरा ख्याल है हमें केक काट लेना चाहिए, वक्त भी जा रहा है और बच्चे भी बहुत बेचैन हो रहे हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बंदोबस्त करो हम केक काट दो। सर आप इजाजत दें तो मैं बच्चों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। आर्यन ये बहुत ज्यादा है। सर प्लीज, मेरे दिल की खुशी है। ओके चलो बच्चों, पिंकू इधर आओ। बच्चों पिंकू की बर्थडे की खुशी में अंकल आर्यन हर बच्चे को एक टैब गिफ्ट कर रहे हैं।
देखी देखो मेरे दोस्त गए थे बीच पे आज उन्होंने ये वीडियो भेजी मुझे तुम यहां पे उदास बैठी हुई हो उसके लिए और वो पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ घूम रहा था किन किन के साथ फ्लर्ट कर रहा मरियम यू नीड टू रीथिंक बाकी तुम समझदार हो आजम साहब मैंने आपको आर्यन का पैकेज मालूम करने का कहा था पता किया आपने जी मैडम ये रही उस पैकेज की डिटेल्स आजम साहब एक नॉर्मल टैब आजकल मार्केट में कितने में अवेलेबल है मुख्तलिफ प्राइसेस हैं मैडम मेरे ख्याल में 40-50 हजार से कम का तो नहीं होगा कोई टैब और फिर जितनी अच्छी कंपनी उतनी प्राइस ऊपर होती जाती है आप बता रहे थे कि जब से आर्यन ने हमारी कंपनी ज्वाइन की है हमारी प्रोडक्शंस बहुत इंप्रूव हुई हैं और डिलीवरी भी ऑन टाइम है यही सच है मैडम हैरत की बात यह है कि हमारे यहाँ काम करने वाला एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय बच्चों में इतने एक्सपेंसिव टैब्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसके सीवी पर जो एड्रेस था आपने उसका पता लगाया जी बिल्कुल मैडम वो तो एक बहुत पॉश एरिया का एड्रेस है सी फेसिंग समझ में नहीं आता कि एक नॉर्मल सा इंजीनियर ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर सकता है मैडम हो सकता है वो कि कोई पोर्शन लेकर किराए पर आजम साहब इस तरह के एरियाज में एक नॉर्मल पोर्शन भी अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है एक आम आदमी के लिए आप क्या कहना चाह रही हैं आजम साहब रिसेंटली हमारी कंपनी ने बहुत इंपॉर्टेंट दो कॉन्ट्रैक्ट्स लूज किए हैं और जिस कंपनी को वो मिले हैं उसकी और हमारी बिड में कुछ खास डिफरेंस नहीं था और ये सब कुछ तभी हुआ है जब से आर्यन ने हमें ज्वाइन किया आपको उस पर नजर रखनी होगी कहीं ऐसा ना हो कि किसी और फर्म ने उसको हमारे यहाँ प्लांट करवाया हो या ये सब कुछ कोई हमारे बिजनेस राइवल्स कर रहे हो क्योंकि एक बात तो कंफर्म है आर्यन ये जॉब पैसे के लिए नहीं कर रहा अच्छा कम ऑन मरियम डोंट थिंक लाइक अ टीनेजर ऐसा क्या था उस वीडियो में एक लड़की को ही ले जा रहा था ना अपने साथ बाइक पे What's the big deal? तुम एक्चुअली उसकी फेवर कर रही हो And what's the big deal? Wow. ठीक है Thank you. मतलब आर्यन को क्या जरूरत है ये हरकत करने की स्पेशली इन दिनों जब शेरी उसकी हर मूव पे नजर टिकाए बैठा है अच्छा मुझे ये बताओ ये शेरी और उसके दोस्त हर जगह खुदाई मददगार बन के कैसे पहुंच जाते हैं पूछे तुमने उससे कभी यार मुझे शेरी से कोई बहस नहीं करनी और पॉइंट ये नहीं है कि शेरी ने मुझे वीडियो दिखाई पॉइंट ये है कि आर्यन को क्या जरूरत थी कि एक लड़की को इस तरह बाइक पे पूरा शहर घुमा रहा है वो भी चिपक चिपक के ये क्या बच्चों वाली हरकत है ये करने का पॉइंट क्या है और तुम मुझे कह रही थी कि आर्यन की तो आंखें बंद हो जाती है वो तो किसी लड़की की तरफ देखता नहीं तो फिर ये क्या है अच्छा तो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की को बाइक पे बिठा के चिपक चिपक के घूम रहा था तो ये कहो ना You're feeling jealous. It's fine. मैं जेलस हो रही हूँ मतलब
मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ। हाँ तो भाई बनता भी है, मोहब्बत की बात है और महबूब को शेयर करना तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। मतलब अच्छा दिखाओ कौन है वो लड़की, इज शी प्रिटी? देख लो खुद ही। यार ये तो महविश है, शी इज फ्रॉम माई स्कूल। यू नो? हाँ ओ लेवल्स में हम साथ थे, फिर ये बाहर पढ़ने चली गई डिग्री लेने। अच्छा हाँ कोई मसला ही नहीं है यार तुम्हारे लिए, आई विल फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट हर। कब मतलब कैसे? हमारे काफी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, किससे भी पूछ लूंगी, नो टेंशन। हाँ ठीक है देख लो, मतलब तुम्हारी मर्जी, पूछ लो देख लो। फोन तो ले लो। हाँ अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। उन्होंने कोई पोर्शन रेंट आउट किया हो? अरे नहीं मैडम, मैं 11 साल से यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ। प्रोफेसर तौकीर अपने बेटे के साथ रहते हैं यहाँ पर, इन दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता। क्या नाम है उनके बेटे का? आर्यन साहब, आर्यन नाम है मैडम उनका। ठीक है थैंक यू। उदास बैठी हुई उसके लिए और वो पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ घूम रहा है, किन किन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। मरियम यू नीड टू रीथिंक। Miss Amber. Yes, sir. Yes. आपने लेटर तैयार नहीं किया अभी तक? Yes, sir. तैयार है रेडी। मेरे जा रहे हैं? जी मैम वो वर्कशॉप गए हैं। Okay. Thank you.
तुमने मुझसे कहा था कि तुम उदास नहीं होगी। उदास तो नहीं, पुरानी यादें बल्कि नम कर देती हैं। तुम एक बार अपने बेटे से मिल लो, या मुझे बता दो, मैं अपने सनी को ले आऊंगा। तुम मुझे तौकीर से भी तो मिलने नहीं दे रही। हम एक ही शहर में रह के हम कितने सालों से अनजान हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पे तरस खाए। सुधियार, मैं ये भी नहीं चाहती कि उन दोनों के पुरसकून जिंदगी में मैं बहुत चाल ना हूं। तौकीर ने बड़े खुले दिल से मुझे आजाद किया था। बहुत आला ज़र्फ इंसान है, लेकिन हम दोनों अपने फेयर गेम प्ले में अपने मासूम बच्चे की ख्वाहिशों को संभाल नहीं पाए। अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपनी पुरानी यादों के कंकर उनके मैं उनकी पुरसकून जिंदगी। दूर जाने से रिश्ते नहीं टूटते, जैसे महवेश के सिलसिले में मुझसे गलती हुई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम आम इंसान हैं, खता के पुतले हैं। मैंने कभी भी तुम्हारी और अपनी शादी को गलतफहमी नहीं समझा, ना कभी समझूंगा। हमने जिंदगी के बेहतरीन साल एक साथ गुजारे, बहुत हसीन ख्वाब है मेरे सामने, मगर कभी कभी खुशियों का खराज देना पड़ता है, बहुत बड़ा खराज जो तुम और मैं दे रहे हैं। मरियम, मरियम मेरी बात सुनो। मरियम क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। इतना ही इफेक्ट करता है वो मुझे। यही चाहती थी ना तुम? तुम क्या उस फजूल सी लड़की और उस वीडियो की बात को इतना बड़ा बना रही हो? डोंट बी सिली। बात वीडियो की नहीं है, शेरी का एक एक लफ्ज मेरे कानों पे गूंजता है। क्यों उस लड़की का सोचे? तुम्हें आर्यन पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है क्या? एतबार नहीं करती। अच्छा, और तुम कहती हो आर्यन ऐसा लड़का नहीं, तो फिर कैसा लड़का है आर्यन? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। आर्यन लड़का है ना, उसके पास करोड़ ऑप्शंस होंगे, एक से एक बढ़कर की। तो फिर मैं क्यों? नहीं मतलब मेरे लिए वो ये आग का दरिया क्यों पार करे? उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी गुजारे, तो फिर मेरे लिए उसको ये करने की जरूरत नहीं। मरियम तुम बेकार में टची हो रही हो, आर्यन ऐसा हरगिज नहीं है। और जहां तक उस लड़की का है ना, मैंने पता लगा लिया महवेश का, मैं कल ही जाके सारा मामला सॉल्व करके आती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता। मरियम सुनो तो,